नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। मकर संक्रांति के दिन भूल कर भी ना करें इन पांच चीज़ों का दान। दोस्तों, मकर संक्रांति का त्यौहार माघ मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि यानी 14 जनवरी 2023 दिन शनिवार को मनाया जाएगा। इस वर्ष संक्रांति देवी बाघ के वाहन पर आएंगी। संक्रांति देवी पीले वस्त्र पहनकर दक्षिण दिशा की ओर चली जाएगी। मकर संक्रांति पर इस बार शत्रुओं का विनाश होगा और बाधाएं नष्ट होंगी। और शनिवार के दिन होने की वजह से माता लक्ष्मी जी कृपा भी बरसेगी और शनिदेव की कृपा भी बरसेगी, क्योंकि शनिवार के दिन भगवान शनिदेव का है। वैसे तो सभी ग्रहों के संक्रांतियाँ होती हैं, लेकिन उन सभी में सूर्य की संक्रांति विशेष फलदायक होती है, क्योंकि इस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, अपने पुत्र की राशि में, शनि की राशि में प्रवेश करते हैं। इसलिए हिंदू धर्म में सूर्य की संक्रांति और विशेषकर मकर संक्रांति को खास महत्व दिया गया है। शास्त्रों के मुताबिक मकर संक्रांति काल में स्नान, जप, तप, दान, होम आदि धार्मिक कार्यों में सामान्य की उपेक्षा कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है। इस बार 14 जनवरी को मकर संक्रांति के अवसर पर कई ग्रहों के शुभ फलदायक राजयोग और धनयोग का निर्माण बन रहे हैं, काफ़ी शुभ संयोग बना रहे हैं। इसमें बुद्धादित्य राजयोग का निर्माण भी होगा। साथ ही साथ इस बार की मकर संक्रांति और भी ज़्यादा विशेष है, क्योंकि इस बार की मकर संक्रांति पर पिता पुत्र की युति भी बनी रहेगी, सूर्य और शनि की युति बनेगी। इस बार मकर संक्रांति पर कई सारे दुर्लभ शुभ संयोग बन रहे हैं। एक तो सर्वार्थ सिद्ध योग, अमृत सिद्ध योग, जो कि इस योग में और नक्षत्र रहेगा हस्त, तो इन योगों में अगर आप जप तप दान करें, पुण्य करें, दान करें, तो कई गुना अधिक फलों की प्राप्ति होती है, कष्टों का अंत होता है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मकर संक्रांति पर क्या दान करना चाहिए, दान करते समय किन नियमों का पालन भी करना चाहिए जिससे दान का पूरा पूरा फल प्राप्त हो सके, साथ ही ऐसे कौन से चीज़ें हैं जिनको मकर संक्रांति पर भूलकर भी नहीं करना चाहिए, यानी कि नहीं देना चाहिए, कौन से ऐसे दान हैं जिनके दान से आपके जीवन भर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि मकर संक्रांति के दिन कौन से चीज़ों का दान करना चाहिए। तो इस दिन अगर आप काले तिल का दान करें, तिल का दान करना सबसे शुभ होता है, क्योंकि मकर संक्रांति के दिन काले तिल के दान करने से भगवान शनिदेव और गुड़ का दान अगर साथ में करें तो भगवान सूर्य अत्यंत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि यह शनिदेव का उपाय है और पूरे साल शनिदेव की 7.5 ढैया महादशा अंतर दशा से भी आपको राहत मिलेगी। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अगर आपके जीवन परेशानी है शनि से संबंधित, तो आप इस दिन काले तिल का दान जरूर करें, गुड़ का दान करना चाहिए। अगली वस्तु गुड़ अति शुभ है, क्योंकि ये सूर्य का उपाय है, तो सूर्य से संबंधित आप ये गुड़ का उपाय जरूर करें। इसका दान करने से आपको आपके जो सूर्य है कुंडली में बेहतर होंगे। इस दिन खिचड़ी का दान करना चाहिए, सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है खिचड़ी। तो इस दिन आप यानी कि थोड़ा सा चावल ले लें, थोड़ी सी आप उड़द की दाल ले लें और आप यानी कि खिचड़ी बना लें और खिचड़ी का दान करें, स्वयं खा लें, बहुत शुभ माना जाता है। कंबल का दान करें, कंबल चूंकि ठंडी का मौसम रहता है तो कंबल का दान करें, काली उड़द का आप दान जरूर करें और कंबल काली उड़द का दान करें। राहु केतु इससे शांत होते, घी का दान करना चाहिए, बहुत अच्छा माना जाता है, कैरियर में सफलता मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये आप उपाय करें। गाय को हरा चारा जरूर खिलाएं इस दिन और साथ ही साथ गाय को एक रोटी खिलाएं, काले तिल और गुड़ डालकर आप गाय को रोटी जरूर खिलाएं और खिचड़ी भी आप साथ में थोड़ा खिलाएं तो इससे बेहतर होता है, गरीबी दूर होती है और जीवन भर लाभ मिलता है। तो आपको कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आपको दान भी नहीं करना चाहिए? सबसे पहली वस्तु दोस्तों, आपको इस दिन रुपये पैसे किसी को नहीं देना चाहिए, मकर संक्रांति के दिन आप ना दें। और काले यानी कि जैसे कि मान लीजिए आपके घर में कोई इम्पोर्टेंट गहने वगैरह हैं तो उन्हें भी किसी को आप दान ना दें। दोस्तों, इस दिन झाड़ू का भी दान नहीं करना चाहिए, मकर संक्रांति के दिन झाड़ू किसी को ना दें, क्योंकि झाड़ू देने से माता लक्ष्मी जी क्रोधित हो जाती हैं। तो माता लक्ष्मी जी प्रसन्न रहें, आपके घर में सुख समृद्धि लेकर आए, इसके लिए आप झाड़ू का दान बिल्कुल भूलकर भी ना करें मकर संक्रांति के दिन। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि झाड़ू सुख सौभाग्य का प्रतीक है और इस दिन दान नहीं करना चाहिए। अगली वस्तु है, दूसरी चीज़ है, इस दिन आप प्लास्टिक की चीज़ें किसी को ना दें, जैसे कि प्लास्टिक की चीज़ें किसी को दान ना दें, क्योंकि प्लास्टिक की चीज़ें दान देने से दुर्भाग्य आता है।
तो चाहे जान चली जाए भूल कर भी आप यानी कि प्लास्टिक की चीज़ें ना दें। अब अगली चीज़ है यानी कि जूते चप्पल। तीसरी चीज़, जूते चप्पल भी किसी को इस दिन दान नहीं देना चाहिए, भूल कर भी किसी को जूते चप्पल का दान ना दें। मकर संक्रांति के दिन जूते चप्पल का दान देने से माता लक्ष्मी क्रोधित हो जाती हैं। और अगली वस्तु है, कोई धारदार वाली वस्तुएं इस दिन दान ना करें। मकर संक्रांति के दिन धारदार वाली वस्तुएं, नुकीली चीज़ें, चाकू, सुई, कैंची इत्यादि, कोई भी धारदार वाली वस्तुएं बिल्कुल दान ना करें, वरना आपको दुर्घटना का सामना करना पड़ेगा। और अगली चीज़ है, इस दिन आप बासी भोजन किसी को दान ना दें। बासी भोजन दान करने से माता लक्ष्मी क्रोधित हो जाती हैं और कभी भी धन की यानी कि जो स्रोत धन नहीं आते, फिर धन के स्रोत चले जाते हैं तो आपके घर में गरीबी आती है। तो बासी भोजन भी ना करें। तो भूलकर आप इन चीज़ों का दान ना करें, जैसे बासी भोजन का दान ना करें, झाड़ू का दान ना करें, नुकीली चीज़ें, धारदार वाली वस्तुओं का दान ना करें, जूते चप्पल, प्लास्टिक की चीज़ों का दान बिल्कुल भूल कर भी ना करें। तो दोस्तों, इन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि मकर संक्रांति के दिन आपको वही दान करने हैं जो महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय माँ लक्ष्मी।